केंद्र सरकार ने ग्राहकों को अपने सामान का बिल लेने को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। इससे दुकानदार ज्यादा से ज्यादा जीएसटी इनवॉइस जनरेट करेंगे, जिससे कारोबारी टैक्स में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत भाग्यशाली उपभोक्ताओं को 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। जीएसटी पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से उपभोक्ताओं को जारी सभी बिजनेस टू कस्टमर इनवॉइस योजना के पात्र होंगे। उधमसिंह नगर जिले के उद्यमियों और व्यापारियों ने इस योजना का स्वागत किया है। उद्यमी राजेंद्र तुलसियान ने कहा कि इस योजना से लोगों में बिल लेने के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें अपने अधिकार का प्रयोग करने का मौका मिलेगा, साथ ही सरकार के टैक्स संग्रह में इजाफा होगा। देखिए, एक मोदी सरकार में माननीय निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री का बहुत बढ़िया प्रयास रहा है। उन्होंने 1 सितंबर से ये एक ऐप लागू किया है, मेरा बिल मेरा अधिकार। इसमें इन्होंने 10,000 से 10 लाख रुपए तक के इनाम हर महीने तथा 1 करोड़ का इनाम हर 3 महीने पे दे रहे हैं। निश्चित इससे जनमानस को जागरूकता पैदा होगी, उनको अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा तथा सरकार को इससे टैक्स की प्राप्ति होगी। व्यवसायी कमल कटारिया के मुताबिक मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू होने के बाद लोगों में खरीदारी के उपरांत बिल लेने के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इससे आम उपभोक्ता को बड़ा बहुत प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा। पहले कोई बिल नहीं मांगता था, सामान लिया अपना चले गए, फिर बाद में वारंटी की दिक्कत, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जब से सीतारमण जी ने चालू किया है हमारा मेरा बिल मेरा अधिकार, उसके बाद उपभोक्ता अपना बिल मांगने लगा, उसको बिल को पोर्टल डाले तो इनाम पाने के हकदार हो गए। ऊपर से वारंटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पक्का बिल मिलेगा, चीज़ आपको जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं वो आपको जेन्युइन मिलेगा, कोई पायरेसी की वो नहीं होगी। वहीं आम ग्राहक ऋषभ श्रीवास्तव ने कहा कि दुकानदार से जीएसटी बिल मिलने पर खरीदे हुए सामान की डुप्लीकेसी बंद होगी और सरकार के राजस्व बढ़ाने में ग्राहक योगदान कर सकेंगे। मैंने भी एक परचेज किया है और जीएसटी बिल मुझे मिला है, उसके लिए मतलब हमें काफी अच्छा लग रहा है और इसमें एक योजना भी है, इसका अगर हम बिल को पोर्टल में अपलोड करते हैं तो हम इनाम के हकदार भी हो सकते हैं और इस बिल से हमें ये फायदा जरूर मिलेगा कि हम इसमें अपना मतलब डुप्लीकेसी से बचेंगे और नंबर दूसरा हमें गवर्नमेंट के राजस्व में भी अपना योगदान रहेगा।